ये ले पहुंच, वरना पिछवाड़े का वेलक्रो बन जाए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके और हमारे चैनल कलेक्शन टेक में। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के दो बड़े सुपरस्टारों की फिल्मों के बारे में, जिसमें अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम और अजय देवगन की फिल्म भूज शामिल है। और आपको बताएंगे इन दोनों फिल्मों का अभी तक का टोटल कलेक्शन कितना रहा, कौन सी फिल्म ने मारी आज बॉक्स ऑफिस पर बाजी और कौन बना ओटीटी और बॉक्स ऑफिस का सबसे बड़ा सुपरस्टार। तो दोस्तों, ये सब जानने से पहले सबसे पहले बात कर लेते अजय देवगन की फिल्म भूज के बारे में। आपको बता दें भूज फिल्म का बजट 60 करोड़ रूपए से ज्यादा था। वहीं इस फिल्म को पब्लिक और क्रिटिक्स ने काफी ज्यादा पसंद किया, जिस वजह से इस फिल्म को पब्लिक और क्रिटिक्स ने काफी ज्यादा रिव्यू दिया। जी आपको बता दें, फिल्म को पब्लिक और क्रिटिक्स ने 4 स्टार रिव्यू दिया। और इतना अच्छा रिव्यू मिलने की वजह से इस फिल्म ने अपने पहले दिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 29 करोड़ 41 लाख रुपए से भी ज्यादा की ओपनिंग की। लेकिन अगर फिल्म के पहले हफ्ते और अभी तक के टोटल कलेक्शन की बात करें तो भूज फिल्म ने अपने पहले हफ्ते अपने बजट से लगभग 2.5 गुना ज्यादा कमाई करते हुए 142 करोड़ 38 लाख रुपए का जबरदस्त कलेक्शन कर लिया था। इसी के साथ इस फिल्म को अभी तक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुए 14 दिन हो चुके हैं और रिपोर्ट के मुताबिक यह फिल्म अपने 14वें दिन यानी 6 करोड़ 55 लाख रुपए के आसपास कमाई कर रही, जिससे फिल्म का 14 दिनों का टोटल ओटीटी कलेक्शन 200 करोड़ 56 लाख रुपए हो जाएगा। और अगर इस फिल्म से अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम का कंपेयर करें तो बेल बॉटम फिल्म में आपको अक्षय कुमार के साथ कई मल्टी स्टार कास्ट नजर आए थे। वहीं इस फिल्म का बजट था 70 करोड़ रुपए और बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के बावजूद इस फिल्म को पब्लिक और क्रिटिक्स ने काफी ज्यादा पसंद किया और लगभग 3.5 स्टार रिव्यू दिया, जिस वजह से फिल्म के वर्ड ऑफ माउथ में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन इसके बावजूद फिल्म ने अपने पहले दिन सिर्फ 2 करोड़ 75 लाख रुपए की ओपनिंग की। इसी के साथ इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते अपने बजट से लगभग सिर्फ 25% की ही रिकवरी करते हुए अपने पहले हफ्ते 18 करोड़ 46 लाख रुपए का कलेक्शन किया। लेकिन अगर फिल्म के अभी तक के टोटल कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म को अभी तक बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 8 दिन हो चुके हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फिल्म अपने 8वें दिन यानी आज 1 करोड़ 37 लाख रुपए के आसपास कमाई कर रही, जिससे बेल बॉटम फिल्म का 8 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 19 करोड़ 83 लाख रुपए रहेगा। तो दोस्तों, आज के ओटीटी कलेक्शन और अभी तक के टोटल कलेक्शन के मामले में अजय देवगन की फिल्म भूज मार लेगी बाजी, जिस वजह से अजय देवगन बनेंगे सबसे बड़े सुपरस्टार। लेकिन अगर आपने इन दोनों फिल्मों को देखा है तो आपको इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई, और आप इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म को कहोगे इंडिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर, सबसे बड़ी फ्लॉप, अजय देवगन की फिल्म भूज को या अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम को? आपकी राय हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करो और जैसे जैसे आपको हमारे चैनल कलेक्शन टेक को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट मिलती रहेगी सबसे पहले।